Assalamu alaikum. My name is Sayyed Rahil Muzaffir and I welcome all of you to LMS Vice Period. So, बच्चों chapter 26 पढ़ रहे थे तो आज उसका last lecture है और इसमें दो topics हैं. One is desert ecosystem and other one is tundra ecosystem. तो पहले desert का ecosystem है. पाकिस्तान में जो desert का ecosystem western पंजाब में है, मियांवाली बखर के एरिया में, उसे थल कहा जाता है. जो साउदर्न पंजाब में जैसे फोर्टाबाज, बावन लगर, यजमान, बहावलपुर, इसे चोलिस्तान कहा जाता है. और जो सिंध के अंदर है इसको थर कहा जाता है. ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं. यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम है, यानी कि 10 से 20 इंच या इससे भी कम बारिश होती है, या आप कह सकते हो कि 25 से 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. तो इट मीन्स कि ना होने के बराबर है. अब इसमें जो प्लांट लाइफ है वो बहुत कम है और ऐसे लगता है जैसे पौधों को अगर आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे हाथ से उगाए गए, इतने ज्यादा फासले के ऊपर ये मौजूद होते हैं. और प्रीनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो सदा बहार हो, सारा साल अपने आप को रीग्रो करते रहते हैं. इनमें झाड़ियां वगैरह हैं, कैक्टस वगैरह हैं, और इन झाड़ियों और कैक्टस में एक्चुअली जो रूट सिस्टम होते हैं वो लार्ज होते हैं और शैलो होते हैं. अब प्लांट्स के ऊपर एक वाटरप्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है ताकि पानी की जो एवेपोरेशन है गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, उसको कम से कम किया जा सके. क्योंकि पानी पहले ही कम इनके ऊपर गिरता है तो जो पानी होता है उसे बचाने की कोशिश की जाती है. और जो वाटर है वो कैक्टस या इसके अंदर जो अदर सर्कुलेंट यानी वो पार्ट जो पानी को स्टोर कर सकते हैं उन उसको स्टोर किया जाता है इनटू थिक स्टेम. उनका जो स्टेम है वो थिक होता है, इस पे कवरिंग्स होते हैं ताकि वाटर को लॉस ना हो सके. कैक्टस और यूफोर्बिया दो डिफरेंट प्लांट्स हैं डेजर्ट की. ये कैक्टस की अपीयरेंस है, ये यूफोर्बिया की अपीयरेंस है. और इनमें स्टेम के अंदर वुड मौजूद होता है और इसके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं जब ड्राउट का सीजन आता है, जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती. एनिमल लाइफ में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एनिमल लाइफ है ही बड़ी कम है, सही में लेकिन कम है. और दिन में आपको एनिमल्स यहाँ नजर नहीं आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत होती है. क्योंकि दिन में जो एनिमल्स हैं ये सूरज से भागते हैं, हीट से भागते हैं, और अंडरग्राउंड जो उनके आप कह लो बोरल्स कहते हैं एक्चुअली बिलों को, उनके अंदर ये अपने आप को सेफ रखते हैं ताकि ठंडे रह सके और बॉडी इनकी बर्न अप ना हो जाए. रात के टाइम जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो लिजर्ड्स हैं, हॉर्न लिजर्ड्स, देखे लिजर्ड को देख लें, इस पे हॉर्न की तरह के स्ट्रक्चर बने हुए, स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये निकलते हैं. मैमल जैसे कैंगरू, रैट, बर्ड वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं. और ज्यादातर जो स्मॉलर एनिमल्स हैं वो पानी नहीं पीते, उसको बगैर ही गुजारा करते हैं क्योंकि पानी होता जो नहीं है. और जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे डेजर्ट बिग हॉर्न शिप है, कैमल है, ये एक्चुअली परमानेंट वाटर होल्स डेजर्ट के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर फिर ये ड्राई सीजन में चूंकि बारिश नहीं होती तो फिर ये वहां पर गुजारा करते हैं उनसे पानी पी के. तो ये एनिमल्स आप देख सकते हो, कैंगरू है, बोरिंग ऑल है, हॉर्न लिजर्ड है. अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है ज़ाहिर है बाकी बायोम्स को तो खत्म कर रही है, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्लांटेशन कम होती जा रही है, दरख्त कटते जा रहे हैं, तो वहां पे डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ रहा है. साहिल लेक, ये देखिए ये तस्वीर है, ये एक एरिया है डेजर्ट इकोसिस्टम का. और ये मौजूद कहाँ है कि ये अफ्रीका में जो सारा डेजर्ट है उसके साउथ में मौजूद. अब हुआ क्या कि यहाँ 25 साल जो एवरेज रेनफॉल हुआ करती थी उससे भी कम बारिश हुई. इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई जिसकी वजह से जो फॉरेस्टेशन थी वो खत्म होना शुरू हो गई. और उसका नतीजा क्या निकला कि साउथवर्ड साइड पे, साउथ वाली साइड पे बड़ी तेजी के साथ डेजर्ट बढ़ना शुरू हो गया. और साहिल जो है वो एक एग्जाम्पल है कि ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से जब किसी एक सर्टेन एरिया में पॉपुलेशन जितनी मौजूद है और उससे ज्यादा लोग आबाद हो जाएं, ज्यादा लोग आ जाएं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर पॉपुलेशन को एडजस्ट करने के लिए जो इर्द गिर्द के दूसरे इकोसिस्टम हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम है या कोई और फॉरेस्ट के इकोसिस्टम, उसको खत्म किया जाता है और फिर वो उसको आप कह सकते हो कि वो डेजर्टिफिकेशन में आ जाता है. और इस इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी है वो इरिवर्सिबल लॉस है, वो वापस नहीं आता और फिर कैरसाली आ जाती है. अब कैरसाली की एग्जांपल है इथियोपिया में मिड 80s के अंदर ये कहा था, आप देख सकते हैं वो पिक्चर्स मौजूद हैं, लोगों की बहुत ही बुरी हालत है. और डेजर्टिफिकेशन कैसे होती है, अब ये डायग्राम देख सकते हो कि जब वेजिटेशन बहुत कम हो जाती है क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डेजर्ट के अंदर ये चीज़ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. फिर ये टंड्रा का एक सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट है.
और ये वो इकोसिस्टम है कि जब आप पोलर आइस कैप्स पे यानी कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे आइस कैप्स हैं, यानी हर साल यानी कैप आइस कैप्स मुराद है वो बड़े बड़े आप तोते कह सकते हैं बर्फ के जो मौजूद हैं, वहाँ पे जाने से पहले जो आखिरी इकोसिस्टम आप इनकाउंटर करते हो टंड्रा इकोसिस्टम है, और ये ट्री लेस रीजन है, यहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं होते, और आर्टिक ओशन जो बैरे मोंजमे जिसको हम बोलते हैं उसके बॉर्डर पे ये मौजूद है। और यहाँ पे जो वेजिटेशन की टाइप्स हैं आप कह सकते हो कि वो ट्री लेस हैं, और टैगा और पोलर आइस कैप्स यानी कि जो हाई लेटिट्यूड है वहाँ पर बिटवीन टैगा एंड पोलर आइस कैप्स एंड हाई एल्टीट्यूड अक्रॉस द माउंटेन अबव टिम्बर लाइन सच एज माउंटेन ऑफ रक्रम एंड कोकश इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो माउंटेन रेंजेज ज़्यादा, चार माउंटेन रेंजेज हैं जिसमें कोई सलमान है, कोई हिंदू कश है, कराकरम है, एक और है जो सवात के एरिया के अंदर मौजूद है, कोई सलमान है, हिंदू कश, कराकरम, यस, और एक और है मुझे नहीं याद आ रही, बहरहाल वो तो ये पाकिस्तान में मौजूद हैं हिंदू कश और कराकरम के एरियाज में, ठीक है। अब यू कहता है इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन ट्रीलेस हाई लेटिट्यूड्स बिटवीन टाइगा एंड पोलर आइस कैप्स, यानी पोलर आइस कैप्स और टाइगा के दरमियान का जो एरिया है वहाँ पर जो एरिया मौजूद है वहाँ पे ट्रीज तो नहीं होते लेकिन वहाँ पर जो वेजिटेशन है उसका ताल्लुक इस टंड्रा इकोसिस्टम से सॉरी। और अगर आप हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो माउंटेन्स को क्रॉस करके टिम्बर लाइन से मुराद ये है कि जो माउंटेन्स के ऊपर फॉरेस्ट है उनकी परली तरफ का जो एरिया है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, और वो एरियाज आप हिंदू कश पाकिस्तान में और कराकरम की सीरीज के अंदर देख सकते हैं अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं। और जो आर्टिक टंड्रा है वो पूरी दुनिया में नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका एक्चुअली एक कॉन्टिनेंट है जिसमें अमरीका कैनेडा मौजूद है, तो उसके नॉर्थ में मौजूद है, नॉर्दर्न यूरोप में मौजूद है, और साइबेरिया के रीजन में ये टंड्रा इकोसिस्टम मौजूद है। तो प्लांट लाइफ बड़ी कम है इधर, ग्राउंड पे जो है वो मौजूद है स्मॉल प्रीमियल लोअर एंड ड्वार्फ विलोस, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जाते और ज़्यादा इनकी हाइट भी नहीं होती, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होते, और इनमें लाइकन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेंडियर मॉस। रेंडियर एक जानवर है जो कि इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, उसकी इस तरह की शेप, तो जो ज़मीन है उसमें रेंडियर जो सरफेस है उस पर रेंडियर मॉस और ड्वार्फ विलो वगैरह मौजूद हैं। और जो पानी के पोल्स हैं वो मॉस्किटो के लिए एक मॉस्किटो की ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा जरिया, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, और मॉस्किटो या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो बर्ड्स वगैरह के लिए, डक्स और गीज वगैरह के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, और फिर ये जो डक्स और गीज हैं ये फिर माइग्रेट करते हैं बहुत लंबे एरिया को कवर करते हैं, और फिर गर्मियों के अंदर ये थोड़ी सी देर के लिए आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर ग्रो कराते हैं, और उसके बाद फिर सर्दियों में ये चले जाते हैं समंदर वाली साइड पर। अब अगर एनिमल लाइफ की बात करें तो जो टंड्रा में वेजिटेशन है वो लेमिंग्स वगैरह ग्रो करते हैं, छोटी छोटी बूटियाँ हैं जिनको वूल्स हैं, स्नोई ओल्स, आर्टिक फॉक्सेस, ग्रिजली बियर्स ये खा जाता है, देख सकते हो ये बड़े खूबसूरत से जानवर हैं लेकिन ये टंड्रा के इकोसिस्टम के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये एनिमल लाइफ के अंदर लेमिंग्स हैं जो कि ये वेजिटेशन वगैरह खा जाते हैं, वूल्स हैं, और ये आपस में ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे को ईटअप कर जाते हैं, जैसे ये ग्रिजली बेयर्स अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे देखें तो समर जब सीजन आता है तो जब पानी पिघलता है तो ये फिश वगैरह को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनको खाने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि ये सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, सबसे आप कह सकते हो बड़ी जल्दी अफेक्ट होने वाला इकोसिस्टम है बाकी सारे इकोसिस्टम के मुकाबले में, तो आपने इसको याद रखना है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज इसमें जो ग्रोइंग सीजन है बहुत शॉर्ट है, वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, प्लांटेशन ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से अफेक्ट हो सकते हैं। अब एक विलो एक पौधा है जो कि 10 सेंटीमीटर या 4 इंच है और उसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर या 3 इंचेस है और वो 50 साल के करीब जो है वो ओल्ड हो सकता है। इसी तरीके से जो टंड्रा के इनहेबिटेंट्स हैं उन पर जो अफेक्ट है, इम्पेक्ट है वो बहुत कम है ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ज़्यादातर इस एरिया के अंदर ऑयल ड्रिलिंग साइट्स हैं या पाइपलाइंस हैं, माइंस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनके इर्द गिर्द ही इंसान मौजूद है, इन चीज़ों से दूर दराज इलाके में इंसान मौजूद नहीं है, तो टंड्रा का इकोसिस्टम अभी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। जब इंसान
बहुत ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा इन एरियाज में, फिर चांसेस हैं कि वो इससे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा, इंशाल्लाह आप फिर मुलाकात होगी।